गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे टू इन प्राग। सो हम लोग इतनी अच्छी नहीं क्योंकि मिश्का आज बहुत जल्दी उठ गई थी, बट हाँ रेडी होकर आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज भी हम ओल्ड टाउन को ही एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि काफ़ी जगह पे काफ़ी व्यू पॉइंट्स हम आज नहीं गए थे। कुछ कुछ और आइकॉनिक स्पॉट्स हैं जो हमारे प्लान में हैं, तो आज वो हम कवर करने वाले हैं। होटल से हम निकले हैं वेसेलस स्क्वायर जाने के लिए, लेकिन वॉक करके जा रहे थे और काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर आर्किटेक्चर है यहाँ का। मतलब हर गली मोहल्ला मुझे तो अट्रैक्ट कर रहा है। कुछ बिल्डिंग्स इतने ज़्यादा प्यारे हैं कि मतलब देख के ऐसा लगता है सबके साथ पिक्चर्स क्लिक करवा लो। तो यही मेरे बैकग्राउंड में कुछ अभी तो आपको बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, मुझे पता नहीं है क्या है। और दूसरी चीज़, यहाँ का प्रोनाउंसिएशन तो नेक्स्ट लेवल है, तो समझ भी नहीं आता कि वो कैसे प्रोनाउंस करना है, बट बहुत अच्छा है। तो ये सबसे बड़ा मेन स्क्वायर है प्राग का। ये ओल्ड टाउन के काफ़ी पास है, बट ये न्यू टाउन के अंडर आता है। और वॉक करते करते हम बहुत दूर आ गए, हमने ऐसा रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन 1.5 किलोमीटर का वॉक हो गया हमारा अभी। तो काफ़ी ओपन एरिया है ये, और यहाँ पे फेमस है ये। मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं और नाइट लाइफ यहाँ की काफ़ी पॉपुलर है, तो काफ़ी वाइब्रेंट सी हैपनिंग सी प्लेस है ये। और अगर हमें मॉन्यूमेंट की बात की करें तो ये वर्ल्ड हेरिटेज में काउंट होता है, और मोस्टली जैसे यहाँ का पूरा कंस्ट्रक्शन है ऑलमोस्ट 1350 के आसपास का ये भी कंस्ट्रक्टेड है, और बहुत वाइड है और उतना ही ज़्यादा उसका हाइट भी है। तो ऑफकोर्स यहाँ का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस तो है ही, पर दिन का टाइम अगर आप थोड़ा सा शॉपिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ आके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पूरा वहाँ से पूरा वो स्ट्रीट वॉक करके आए हैं। ये स्ट्रीट के दोनों तरफ पे कमर्शियल शॉप्स हैं, मतलब शॉपिंग सारे ब्रांड्स हैं आपको। तो ये पूरा स्ट्रीट पे वॉक करके खाने पीने के सारे आइटम्स हैं। मिश्कू को थोड़ी भूख लगाई तो वो बैठ के थोड़ा सा स्नैकिंग करने लग गई। हम लोगों ने भी सोचा कि थोड़ा सा 5 मिनट्स बैठ के सन बात ले लेते हैं हम भी, बट वी आर ऑलमोस्ट नियर पाउडर टावर के पास पहुंच गए। पाउडर टावर बेसिकली वही गेट है जो कल लास्ट ब्लॉग में हमने आपको दिखाया था, वो ओल्ड गेट जो है, ओल्ड टाउन में एंटर होने का जो गेट है उसी को पाउडर टावर भी बोलते हैं। तो बस पाउडर टावर यहाँ से बहुत पास है, देन हम लोग उसको क्रॉस करके अगेन ओल्ड टाउन में पहुँच जाएंगे। हम लोग वहाँ से वॉक करके आ गए हैं पाउडर टावर पे। नाम पाउडर है
ऐसा मत सोचिएगा कि पाउडर टावर है तो वाइट कलर का होगा, पूरा ब्लैक पाउडर हो गया इस पर। और इसके जो साइड में वो ग्रीन टॉम दिख रहा है ना, वो ग्रीन टॉम वाला जो बिल्डिंग है वो है यहाँ का म्यूनिसिपल हाउस। तो वो भी उसके अंदर नहीं जा सकते, लेकिन वो काफ़ी अच्छा सुंदर सा आइकॉनिक बिल्डिंग है, तो ग्रीन टॉम है, उसके सामने से कुछ एक दो पिक्चर्स हम क्लिक करके उसमें ऐड कर देंगे। यूरोपियन कंट्रीज़ में विंटर्स के टाइम पे धूप की बड़ी कमी हो जाती है, तो ये लोग क्या कहीं पर भी कैफ़े लगा देते हैं रोड के किनारे टेबल डाल के। अब हम आ गए वापस से चार्ल्स ब्रिज पे। तो जो कल का प्लान मतलब था हमारा पोर्ट्रेट बनवाने का, अब हम वो करवाने वाले हैं। तब बस काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं, उनमें से हमें ये ढूंढना है कि हमें किससे बनवाना है, जो कि सबसे बड़ा टास्क है। बस अब हम सबका काम देख रहे हैं और उसके बाद डिसाइड करेंगे। काम शुरू हो गया है। वेदर आज जैसा सोचा था उससे ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो शी इज़ फीलिंग कोल्ड। पर उसको इतना ज़्यादा मन था कि अभी बनवा दो, तो अब बैठ तो गई है। देखते हैं इसके बाद हम क्या करते हैं, या तो वापस होटल जाके थोड़ी देर ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस कंटिन्यू करेंगे। अभी तक का तो रिजल्ट अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब आईज नोज लिप्स वगैरह तो सही बनाए, अब बस फेस कट एकदम सही बन जाए तो परफेक्ट मामला सेट है। Thank you.
रनिंग करते करते हम आ गए हैं ज्यूइश क्वार्टर के सामने। ये एक म्यूज़ियम है ज्यूइश कम्युनिटी का, और यहाँ पर एक सिमेट्री भी है, तो काफ़ी ओल्ड है ये। और हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं बिकॉज ये वर्ल्ड हेरिटेज में काउंट होता है, तो हमने सोचा हम यहाँ आके देखते हैं हाउ इट लुक्स लाइक। तो बेसिकली ये एक क्वार्टर है और इसी के पिक्चर्स आपको इंटरनेट पर भी मिलेंगे। तो हम डिनर करने आ गए हैं इंडियन रेस्टोरेंट में ही। तो हम कल भी इसी प्लेस पर आए थे और आज भी हमने उनसे पूछा कि क्या रेकमेंडेड है स्टार्टर्स में, तो दोनों बार हमें सजेशन में मिला वड़ा पाव। तो हमने सोचा कि यार वड़ा पाव खाए हुए टाइम भी बहुत हो गया है, तो चलो वड़ा पाव ट्राई ही करते हैं। देखिए बड़ा तो ठीक है, पाव की तो बहुत बहुत बेइज्जती कर दी इन लोगों ने। अब देखते हैं कि टेस्ट में कैसा है, पर हाँ जैसे जितना हाई था वो देख के थोड़ा कम हो गया। ऑल राइट, सो डिनर वगैरह करके हम लोगों ने अर्ली डिनर कर लिया था आज। डिनर वगैरह करके होटल गए और पूरा लॉन्ग डे हो जाता है, मिश्का के हिसाब से भी थोड़ा टायरिंग हो जाता है, तो दिन थोड़ा सा जल्दी ओवर कर दिया हम लोगों ने, उसको भी फटाफट रेडी करके सुला दिया है। एंड आज मैंने एक ट्रैम जाने देता हूँ, ट्रैम की आवाज़ आ रही है। और आज मैंने यहाँ पर एक थाई मसाज का, क्लासिक थाई मसाज का एक सेशन बुक किया था, सो एक घंटे का थाई मसाज है। उसके लिए उन्होंने मुझे 9:00 का अपॉइंटमेंट दिया क्योंकि इवनिंग एंड देन डे टाइम पूरा फुल था। तो अभी बस मैं, मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, मैं मसाज सेंटर पे आ गया हूँ। सो 9 to 10 PM का मसाज लूँगा एंड देन उसके बाद आई विल बी बैक टू होटल। सो ये वाला वीडियो को हम लोग यहाँ पर ही एंड करते हैं, और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जर्नी मेट्स। एंड ये वाला ट्रिप नॉट ओनली लिमिटेड टू प्राग, इसके बाद में दो और कंट्रीज लाइंड अप है सेम ट्रिप में, तो आप फॉलो करते रहिए, आपको पता चलेगा। एंड देन हम लोग आपके साथ में ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। बाय द टाइम, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।